मार्बल नगरी मकराना में बाहर से आए परिवहन माफियाओं का बोलबाला लगातार बरकरार है। ये माफिया परिवहन विभाग से मिलकर चार चार गाड़ियों का माल एक ही गाड़ी में डालकर बेखौफ परिवहन करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसका असर यहां स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है, जिसके चलते मकराना ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष महिपाल सिंह राजपुरोहित ने आवाज उठाते हुए परिवहन माफियाओं पर रोक लगाने की मांग की है। परिवहन माफिया तो पिछले 15 साल से सक्रिय है इस एरिया में। ये जाल पिछली गवर्नमेंट के द्वारा बिछाया गया था, ये सक्रिय है। इस बार जो मंत्री जी है वो ताकतवर और ईमानदार है, उन्होंने इसको काटने की कोशिश की, तो इस माफिया ने वर्तमान पीछे दूसरे मंत्री के रिश्तेदार का सहारा लेके ये लूट मचा रखी है। लेकिन अभी सरकार और विपक्ष दोनों की आंखें खुल गई हैं और उन्होंने एक साथ सरकार से ईमानदारी की मांग की है, जिससे सरकार के पक्ष के एमएलए विपक्ष के एमएलए दोनों मिलके जो 6 महीने में ओवरलोड गाड़ियां चली है उनका रिकॉर्ड निकलवाया है, उनके चालान कराएंगे, जिससे ये मखाना का व्यापार जो मखाना की 6 ट्रकें 6 दिन से खड़ी है और बाहर की एक ट्रक आके एक दिन में 6 ट्रक का माल ले जाती है, वो जो मखाना को जो जोरदार नुकसान किया पिछले 6 महीने में या पिछले 15 साल में, उसका अब बेनिफिट मिलेगा। उनके चालान होंगे तो ओवरलोड माफिया और परिवहन अधिकारी जो उनसे मिले हुए हैं या डरते हैं या ब्लैकमेल हो रखी है, पता नहीं मुझे तो बहुत सारी, क्यों 15 साल से जब ये कारोबार चल रहा है तो एक जाड़ा एकदम दोनों पक्ष विपक्ष एक हुआ है, दोनों के पास खबरें गई, रिपोर्ट निकलवाया माइनिंग से, ओवरलोड गाड़ियाँ जितनी ओवरलोड गाड़ियाँ सबका, विशेष तौर से अलवर और मकरणा जो भी मुक्ता सोनी जी का ट्रेप हुआ है वो जल्दी मारी गई, जबकि पुराने मछलियाँ या पुराने चोर बच गए, तो इस लाइन में घुसी थी घुसते ही उसका नंबर आ गया, जबकि कुछ चोर उसके तार यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वायरिंग से होकर चलती हैं। एक सिस्टम बैठा हुआ है, इस सिस्टम के खिलाफ मैं बोलता रहा हूँ और इसका मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, कई बार तो मेरी जान को भी खतरा है, पर जान तो एक दिन जानी है तो ईश्वर अल्लाह के हाथ में, मेरे के हाथ में, वो माफियाओं की नज़र में हूँ, मैं बार बार बोल देता हूँ, और मैंने खामियाना भुगता भी है इस बात का।